हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको टेक महिंद्रा का प्रीवियस ईयर एक्चुअल आर्क्स एप्टीट्यूड क्वेश्चन को दिखाने वाला हूं और बताने वाला हूं कैसे आप इसको काफी जल्दी और काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन है, आई हैव बॉट ए सेकेंड हैंड कार पर आरएस 2,50,000। ठीक है, आई हैव टू पे 2% ऑफ द परचेज प्राइस टुवार्ड द एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट एंड एन एनुअल टैक्स ऑफ आरएस 2,000। ठीक है, एट व्हाट मंथली रेंट शुड आई लेंड द कार टू अ टैक्सी ड्राइवर टू गेट अ 15% रिटर्न ऑन नेट इन्वेस्टमेंट फॉर 1 ईयर। तो देखो, 2,50,000 तो हमारा लग गया है कार को खरीदने में और 2% इसका हमको लगेगा किसके, मेंटेनेंस के लिए। तो कितना हो जाएगा इसका, 5,000। मेंटेनेंस हमारा लग गया 5,000। ठीक है, और 2,000 हमें टैक्स लग रहा है, 2,000 टैक्स। तो सारा मिलाकर मुझे 2,57,000 तो मुझे लग गया कार को खरीदने में और उसको मेंटेन करने में। अब इसका मुझे कितना चाहिए, 15% चाहिए एनुअली। 15% मुझे एनुअली चाहिए जिसको मंथली डिवाइड करना है। तो अगर मैं 2,57,000 का 15% निकालूं, 15% तो कितना हो जाएगा, अगर मैं इसका 15% निकालूं गुना 15/100 अगर मैं करूं तो कितना हो जाएगा, 38,550। इतना मेरा आ गया पूरा का पूरा 1 साल का। तो मुझे मंथली चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, 38,550 जो 50 है उसको 12 से डिवाइड कर दूंगा। और जैसे ही मैं इसको 12 से डिवाइड करूंगा तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 3,212.50। इतना रुपया हमें 1 मंथ में चाहिए। अगर मुझे 15% चाहिए तो कितना चाहिए, 3,212 रुपया, मतलब ऑप्शन बी है। ठीक है, नेक्स्ट। टॉम वॉक्स 6 किलोमीटर ईस्ट। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक डायरेक्शन वाला जो मैप है उसको बना लूंगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। क्या बोल रहा है, टॉम वॉक्स 6 किलोमीटर ईस्ट, 6 किलोमीटर इसको ईस्ट भगा दो, 6 किलोमीटर। ठीक है, देन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 10 किलोमीटर। अपने राइट मुड़ता है और 10 किलोमीटर जाता है। ठीक, ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 6 किलोमीटर। अपने राइट जाता है, राइट तो राइट इसका यही हो गया 6 किलोमीटर। ठीक, ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 15 किलोमीटर। लेफ्ट मुड़ता है और 15 किलोमीटर और जाता है। ठीक है सर, एट व्हाट डिस्टेंस एंड इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग में यहाँ था, अभी कहाँ आ गया, 10 इसका ए है, 10 यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और 10 और 15 ए है, कितना हो जाएगा, 25। 25 और किस डायरेक्शन में है, साउथ, तो 25 किलोमीटर साउथ कहाँ दिया है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, ड्यू टू माई गुड परफॉर्मेंस एट वर्क आई रिसीव 3 सक्सेसिव इंक्रीमेंट्स ऑफ इक्वल परसेंटेज। माई सैलरी इंक्रीज फ्रॉम 100 रुपीज टू 133.1 रुपीज। बाई वाट परसेंटेज इज माई सैलरी रेज इच टाइम। आप यहाँ देख पा रहे हो, सक्सेसिव मतलब जो सैलरी बढ़ा है उस पर फिर उतना परसेंट, जो सैलरी बढ़ा है फिर उस पर उतना परसेंट। तो मतलब 100 से कितना बढ़ा है, 100 से बढ़ा है 133.1, मतलब एक्चुअल कितना बड़ा है, 33.1, इतना बड़ा है 3 बार में। तो अगर मैं इसको एक बार मान के चलता हूँ, अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करता हूँ तो अप्रोक्स 11 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, 11 पॉइंट कुछ आएगा, 12 तो आएगा नहीं, खत्म। 28 तो आएगा नहीं, खत्म। 90 तो आएगा नहीं, 90 खत्म। आंसर क्या होगा, 10। कैसे, देखो अगर 100 है, 100 इस पर मैं पहली बार में 10% बढ़ाता हूँ तो कितना हो जाएगा, पहली बार में 110 110 रुपीज हो गया। ठीक, 100 कितना हो गया, 10। 110 पर अगर मैं 10% फिर से बढ़ाता हूँ तो कितना हो जाएगा, अगर मैं फिर से इस पर 10% बढ़ाता हूँ तो कितना हो जाएगा, 121 121। और इस पर मैं फिर से 10% अगर बढ़ाता हूँ, फिर से 10%, तो ध्यान समझो, जैसे मैं इस पर फिर से 10% बढ़ाऊंगा, 10% तो कितना हो जाएगा, 133.1। और यही तो हमें चाहिए, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन हमारा बी होगा। ठीक है, बहुत सारे लोग 12 मारेंगे और निकल जाएंगे, लेकिन ऑप्शन क्या होगा, 10। ठीक है, नेक्स्ट। निक्की हु इज रॉनीज डॉटर। निक्की जो रॉनीज की डॉटर है, तो डॉटर के लिए मैं क्या करूंगा, निगेटिव साइन लगा दूंगा, और सन के लिए या फिर फादर के लिए मैं पॉजिटिव लगाऊंगा। निक्की हु इज रॉनीज डॉटर, रोनी की डॉटर मतलब रोनी से ऊपर होगी। ठीक है, मुझे नहीं पता है रोनी क्या है, मेल है या फीमेल है। सेज टू इंडल, जो निक्की है, निक्की वो इंडल से बोल रही है। ठीक है, योर मदर रेकी इज द यंगेस्ट सिस्टर ऑफ माई फादर। जो निक्की है इसका यहाँ या तो ये मदर है या फिर फादर है, इसकी क्या है, यंगेस्ट सिस्टर है। अगर यंगेस्ट सिस्टर है रेकी,
तो मैं यहाँ रेगी लिख दूंगा। रेगी क्या है? सिस्टर है, सिस्टर। हु इज द थर्ड चाइल्ड ऑफ जैक, और ये दोनों किसके चाइल्ड है? जैक के, तो जैक इनसे ऊपर रहेगा, जैक। ठीक। हाउ इज द जैक रिलेटेड टू इंडर, जो जैक है इंडल से कैसे रिलेटेड होगी? तो जो रेगी है उसका जो योर मदर, इसका चाइल्ड होगा को इंडल, रेगी की चाइल्ड होगी इंडल। अब जो भी हो, मेल या फीमेल, फर्क नहीं पड़ता। तो हाउ इज जैक रिलेटेड टू इंडल, तो जो जैक है जैक इंडल से कैसे रिलेटेड होगा? तो देखो, इसके जो निकी है इसके मदर या फिर फादर के ये क्या है? पापा है, मतलब इसके निकी के ग्रैंड फादर हुए, और इसका ये भाई लगेगा, इसका बुआ का बेटा है, तो भाई या बहन लगेगी, तो इसके लिए भी क्या रहेंगे? एक ग्रैंड फादर रहेंगे। तो आंसर क्या होगा? ग्रैंड फादर। ठीक है, अब मैं बढ़ूंगा वीडियो में आगे, और उससे पहले आपको एक चीज बताऊंगा कि अगर आप एक ऑर्गेनाइज प्रिपरेशन मटेरियल चाहते हैं जो आपको हेल्प करेगा टेक महिंद्रा को क्लियर करने में, तो आप इस ई बुक ले सकते हैं, जिसमें इतने सारे क्वेश्चन हैं हर एक सेक्शन के, आपको असेसमेंट से लेकर इंटरव्यू तक काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ई बुक, और आपको गारंटेड सिलेक्शन दिलवा के रहेगा। तो डिस्क्रिप्शन में आपको दो लिंक मिलेगा, एक मिलेगा जिसमें हमने रिफंड का पॉलिसी रखा है, मतलब अगर उस ई बुक को आप लेते हैं और आप भगवान न चाहें अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो हम पैसा पूरा पूरा आपको रिफंड कर देंगे, और एक ई बुक ऐसा है जिसमें आपको पैसा रिफंड नहीं होगा, जिसका दाम काफ़ी कम है। तो आप जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको चेकआउट कर सकते हो, और जिसमें चाहे आप इनरोल कर सकते हो। नेक्स्ट, माइक वॉक्स 10 किलोमीटर नॉर्थ। तो मैं क्या करूँ, सबसे पहले डायग्राम बना लूंगा, ये हमारा नॉर्थ है, ये साउथ, ईस्ट, और ये क्या वेस्ट। माइक वॉक्स 10 किलोमीटर नॉर्थ, मैं जाऊँगा यहाँ 10 किलोमीटर। ठीक है, ही देन वॉक 6 किलोमीटर साउथ। अच्छा, 10 किलोमीटर गया है, लेकिन फिर 6 किलोमीटर साउथ आ रहा है, 6 किलोमीटर, मतलब डिस्टेंस यहाँ से यहाँ कितना बच गया? ये 4 किलोमीटर बच गया। ठीक है, एंड आफ्टर डैट वॉक्स 3 किलोमीटर ईस्ट, और 3 किलोमीटर इसके बाद ईस्ट जाता है, ये हमारा 3 किलोमीटर हुआ। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज माइक विथ रिस्पेक्ट टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट। तो पहले तो माइक यहाँ था, यहाँ अब कहाँ डिस्टेंस बच गया, इतना बच गया। तो मैं देख रहा हूँ, मैं क्या देख रहा हूँ, ये तो हमारा 3 है, ये हमारा 3 है, ये हमारा डिस्टेंस क्या है? 3, और ये हमारा 4 है। तो मैं क्या करूँगा, हाइपोटेनस निकालना है, हाइपोटेनस इसको निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा दूंगा, और 4 चौका 16 प्लस 9 25, मतलब 5 5 आंसर हो जाएगा। और कहाँ? नॉर्थ ईस्ट, ए नॉर्थ है और ए ईस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट सबसे पहला ऑप्शन है, और 5 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शुड बी फिल्ड इन द ब्लैंक्स। अच्छा देखो, F03K I04H, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स O09B और R13Y। अब देखो, यहाँ EF इसका वैल्यू है 6, इसका 9, इसका 15 और इसका 18। मैं देख पा रहा हूँ कि इसमें कितना का इंक्रीमेंट हो रहा है, 3 का, और यहाँ भी 3 का, मतलब क्या यहाँ भी 3 का होगा? तो 9 3 कितना होता है? 12, और 12 पे क्या वैल्यू रहता है? L, तो क्या आएगा? यहाँ L आएगा। जब L आएगा तो इसको ऐसे ही काट दो और इसको ऐसे ही काट दो, ये दोनों खत्म। ठीक है, अब देखो, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, 5 और 6, इन दोनों को मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ, या फिर मैं डी और ई को डिफ्रेंशिएट करूंगा। तो यहाँ है के, के का वैल्यू कितना होता है? 11, एच का 8, बी का 2, वाई का 25। अब देखो, 11 माइनस 3, यहाँ -3 हो रहा है, तभी यहाँ बी -3 करूंगा, तो पहले आएगा ए, फिर आएगा फिर जेड, और फिर वाई, -3 यहाँ भी हो रहा है, मतलब -3 यहाँ भी होगा, -3, तो कितना हो जाएगा? 8 माइनस 3 गया 5, मतलब ई, यहाँ ई होगा, जब ई होगा तो डी तो ऐसा ही नहीं होगा, डी खत्म, आंसर क्या होगा? ए, और बीच में 0 6 हमारा आ जाएगा, तो आंसर क्या होगा? ए। आप देख पा रहे होंगे, अगर आपको इसका प्लेस वैल्यू याद है, प्लेस वैल्यू कैसे याद करते हैं? इजोटी, इसे याद करते हैं, इसका होता है 5, इसका 10, इसका 15, इसका 20 और इसका 25। अगर आपको इजोटी इसका भी याद है प्लेस वैल्यू, तो आप निकाल सकते हैं, जैसे आप निकाल लेंगे ए बी सी डी ई, ई का पता है 5 है, तो इसका 4 होगा, इसका 3 होगा, इसका 2, इसका 1 होगा, राइट? तो ऐसे आप इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, परवेश ट्रेवल्स 15 मीटर टुवार्ड्स द नॉर्थ। मैं क्या करूंगा, सिंपली डायग्राम बना लूंगा, डायग्राम बनाने से काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं, जैसे कि आपको पता है, परवेश ट्रेवल्स 15 किलोमीटर 15 मीटर टुवार्ड्स नॉर्थ। चलो 15 आ गया,
टर्न्स राइट एंड ट्रेवल्स 20 मीटर, राइट मुड़ जाओ और 20 मीटर आ जाओ, ठीक है। देन ही टर्न्स एंड ट्रेवल्स 5 मीटर, देन ही टर्न्स लेफ्ट, इसका लेफ्ट क्या है, ए है, और कितना, 5 मीटर। हाउ फार इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट एंड इन विच डायरेक्शन, तो कितना फार है स्टार्टिंग पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ए है, कितना फार है, और इसको मैं इसे जोड़ दूंगा, तो ये तो हमारा 15 है, 15 5 कितना हो गया, 20, मतलब ये डिस्टेंस पूरा 20 हो गया, और ये हमारा 20 था ही, 20 है क्योंकि यहाँ नॉर्थ गया है तो 20 है, मुझे हाइपोटेनस निकालना है राइट एंगल ट्रेंगल का, तो क्या हो जाएगा, ए बी 20, ए बी 20, मतलब 400 + 400 का रूट, रूट अंदर 800, और डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन हमारा होगा नॉर्थ यहाँ है, ईस्ट यहाँ है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ए सही हो सकता है, ए सही हो सकता है, ए दोनों तो ऐसा ही नहीं होगा, ए दोनों को खत्म करो। चलो अब देखो इसका कितना आएगा, इसे कितना आएगा, 20√2, मतलब 20 20 400 × 800, तो हमारा आंसर ये होगा ना कि 20, खत्म। नेक्स्ट, इफ द लेंथ एंड विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल गार्डन प्लॉट आर इच इंक्रीज बाय 20%, देन व्हाट वुड बी द परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया ऑफ द प्लॉट। देखो इसके लिए बहुत सारे लोग क्या आप करेंगे, जैसे एक रेक्टेंगल है और पहले इसका एक्स लेंथ है और वाई ब्रेथ है, तो पहले इस पर 20% बढ़ाएंगे, 20%, फिर इस पर 20% बढ़ाएंगे, बढ़ा दिए, तब एरिया निकालेंगे, 20% बढ़ाकर एरिया निकालेंगे और जो ओरिजिनल था उसका एरिया निकालेंगे और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर इसका परसेंटेज निकालेंगे, वो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, वैसे भी आप निकाल सकते हैं, काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन मैंने अपने ई बुक में काफ़ी सारे फॉर्मूला लिखे हैं, तो कैसे होगा, इसके लिए क्या होता है, जब सक्सेसिव इंक्रीज होता है और दोनों का हमारा 20% ही इंक्रीज हुआ है, तो क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस बी इंटू ए बी बाई 100। तो अगर यहाँ एक 20% अगर इंक्रीज हुआ हो, एक 10% इंक्रीज हुआ है, तो भी आप इसको लगा सकते हैं, या फिर दोनों 20% हुआ है तो दोनों के लिए, दोनों को ए बी मान लो, इसको 20, इसको 20 इंटू ए बी कितना हो जाएगा, 400/100, दूसरे से जो काट दो कितना हो जाएगा, 40 + 4% कितना हो जाएगा, 44%, कितना इंक्रीज हुआ है एरिया, 44%, देख रहे हो कितना आसानी से निकल जा रहा है। नेक्स्ट, और उससे पहले मैं आपको एक बार और रिमाइंड करना चाहता हूँ कि अगर आप एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में चाहते हैं तो आप डेफिनेटली इसको ले सकते हैं और गारंटीड आप क्लियर कर सकते हैं, इस बात की गारंटी इसमें दी जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट, द अवेलेबल रिजर्व्स विद द इंश्योरेंस कंपनी यूबारा फॉर द 3 मंथ वाज इतना 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 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द एवरेज रिजर्व पर मंथ विद द कंपनी फॉर द गिवन 3 मंथ। तो एक तरीका क्या है कि आप तीनों नंबर को लिखो, जैसे 58,000 यहाँ लिखोगे, प्लस फिर 62,000 लिखोगे, और प्लस प्लस 57,000 लिखोगे, और इसको 3 से डिवाइड करोगे, क्योंकि 3 नंबर है और 3 से डिवाइड करोगे तब इसका आप एवरेज निकालोगे, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि इसमें से सबसे छोटा नंबर कौन है, सबसे छोटा, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इसको लिख लूँगा, पहले पहले इसको लिख लो, मैं काफ़ी आसान तरीका बता रहा हूँ जिसमें काफ़ी तुमको मेहनत नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, और कैलकुलेटर का भी यूज़ नहीं करना पड़ेगा। तो इसमें सबसे छोटा नंबर कौन है, 57,000, ठीक है, इसको रख लो कि इतना तो कम से कम होना ही है, और 57,000 से एक कितना ज़्यादा है, एक 1,000, तो +1,000 यहाँ लिखो, एक कितना ज़्यादा है 57 से, +5,000, एक कितना ज़्यादा है, ये तो बराबर है, मतलब जो ये 6,000 है इसको भी 3 में बांटना पड़ेगा, तो 2,000 और बढ़ जाएगा, अगर ये 6,000 है, 6,000 इसको जोड़ोगे और 3 भाग में बांटना है तो कितना जाएगा, 2,000 प्लस 2,000 इसमें ऐड कर दो, ऐड कर दो कितना हो जाएगा, 59,000, कितना हो जाएगा, 59,000, और यही आई थिंक मेरा आंसर होगा, इसको भी जोड़ कर देख लो मैं क्या करूँगा, जोड़ लूँगा, तो 58,000 + 62,000 + 57,000 डिवाइडेड बाई 3, तो 59,000 हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, 20 मेन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज, इन हाउ मेनी डेज कैन 5 मेन कंप्लीट द सेम वर्क। ये तो काफ़ी बच्चा वाला सवाल है, 25, 20 मेन कर रहे हैं कितना में, 25 डेज में, तो 1 मेन कितना में करेगा, 25 × 20, तो 5 मेन कितना में करेगा, 25 × 20/5, 5 × 20, मतलब 25 × 100, 100 डेज में इसकी बैंड बजा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, और नेक्स्ट हमारा यहीं पे क्वेश्चन खत्म होता है, तो ये आप देख सकते हैं हमारा एक्चुअल आर्ट क्वेश्चन था, इसके रिगार्डिंग वो कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अपने दोस्तों में शेयर करना काफ़ी ज़रूरी है जिससे उनका भी हेल्प हो सकेगा, और आप डिस्क्रिप्शन को भी चेकआउट कर सकते हैं,
जिससे बहुत सारे लोगों का हेल्प हो रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे वीडियो के साथ। टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।